लिए जा रहा है अभी तो यहाँ बैठे लाली। मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में हमारे अंकल जी ने मना कर दी कि हम नहीं जा रहे, तो नहीं जा रहे, बात खत्म। हमारे अंकल जी कहेंगे जाओ तो चले जाएंगे अंकल जी। घर जाने आप मानने सुप्रीम कोर्ट, मैं कौन सी देख, मैं मुझे घर जा रहा हूँ, स्पेशल क्यों कह रहे घर जाने को? सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया कि पूनम पंडित को, रुको एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया कि पूनम पंडित को घर भेजो, उसका अधिकार नहीं है यहाँ आंदोलन माने का। आया नोटिस तेरे पास भाई? मेरे पास नहीं, लेकिन कोर्ट का अपील तो कर रहा है। मेरे लिए अपील करी स्पेशल पूनम पंडित के लिए, पूनम पंडित के लिए स्पेशल अपील करी। अधिकार नहीं है क्या? आरक्षण का, आरक्षण खत्म कर दो। सरकार आपको रोकने का प्रयास तो जारी है ना? अरे प्रयास तो कहां हो रहा, हवा किसी पे रुके एक रहा, सच्चाई क्या हुआ चलती है यो बिना रुकने की किसी पर भी। मेरे पास ही लग जाएगी, मुझे जेल में भेज देंगे, कोई उल्ट पल्ट मुकदमे लगा के। ये आंदोलन के बाद देख लिया बाइट लेना जी, वहाँ भी तो यू रुकेगी, नहीं तो ना रुकने की वहाँ दी। और आगे भी इन फ्यूचर महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान में, बुजुर्ग के आदर में और युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। आगे आगे देखिए तुम होता है क्या। युवा दिवस है जी आज, आज युवा दिवस है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं आपको बोला जाए कि रोड खाली करके आप रामलीला मैदान में शिफ्ट हो जाओ तो आपको। भैया हम काहे को जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? कारण टैक्स भी दे रहा है, समझ में आई? लेकिन 24,000 करोड़ का नुकसान भी तो देश का हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। हमें बड़ी दुख की घड़ी है, नुकसान हो रहा है। इन्हें इतना नुकसान करना नहीं चाहिए, इन्हें ये काले कानून रद्द करने चाहिए। इन्हें ना दिख रहा नुकसान, या सारा नुकसान किसान ही देखेगा? या सारे नुकसान किसान ही देखेगा? इन्हें तो देखना चाहिए, ये तो बिल्कुल ना देख रहे। जब इन्हें कल इस चीज का पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको गलत साबित किया और किसानों को सही करा, किसान बिल्कुल सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, दिशा में गलत है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को तब नहीं दिखा जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए पानी की बौछारें। कहीं ना उन्होंने कहीं नहीं है कि जो दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, ये गलत कर रही है किसानों के साथ। और कैसा कह रहे सुप्रीम कोर्ट का सीधे कहीं जावे? आगे की रणनीति जो होगी, जैसा हमारे अंकल जी ने बताया है उन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे। उन्होंने कहा आंदोलन जारी, तो कुछ करेंगे 26 जनवरी। कुछ बताओ अन्याय, कुछ बताओ यार, कुछ बताओ। परेड में शामिल होना क्या? उसे कह रहे परेड में शामिल होना, अपना सहयोग कर रहा, कुछ बता रहे? कुछ कौन सा तोप लेके जा रहे हैं हम? जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, दुकान भी करवा दिया हमारा भैया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया परेड करने का, तो कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें मैटर ही ना, यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मैटर। अटॉर्नी जी तो कह रहे हैं कि मैटर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना नहीं चाहिए इस मामले में। किसानन का और सरकार का मुद्दा चल रहा, यही तो कही उन्होंने वकील साहब ने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों मना करेगा? क्यों दखल कर रहा है? क्यों मना, इन्होंने घुसाया सुप्रीम कोर्ट पर, ये भी तो माने उनकी। वे कह रहे हैं किसानों को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, आप किसानों से बैठ के उनके बीच में जाकर इनका बात करो, इन्हें रद्द करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये काय को बात ना माने? 14 दिन के अंदर गन्ना का पेमेंट करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के है। इन्होंने वो बात मारी उनकी और इन्हें निपटाओ, ये संकेत दियो उन्हें। उनके दिमाग में ना आ रही तो मैं कहा उन्हें क्या करूं भाई, उनको इलाज करूं? सर जी तो कोई बात ना, पुलिस में भी हमारी बालक है, बतरा लेंगे उनसे, तुम परेशान मत हो, उनसे बात कर लेंगे हम अपने बालकन से, क्या टेंशन करो तुम। अगर पुलिस नहीं जाने देगी तब ताऊ यार आगे की बात है, वहाँ देने तो आ जान दे, अगली साई ले जाओ भर के तुम हम पे दे, मान दो बेटा वहाँ देने आ जान दे। बुजुर्ग आदमी है, मैं आता पैदल चलो रंग लो इंडिया गेट तक, तो बात बना दे यार। अरे बेटा एक बात बताओ, जब 70 साल से ऊपर के यहाँ देश चला रहे तो हम पे आंदोलन ना चले वो तुम यही बात है पूछ रहे, चाहे मैं यू ही कह दी, तुम यही के चक्कर में ढोल रहे बहुत देर से। वापस भेज दीजिए, कोई बात ना, महिला बालक आंदोलन में भैया जब देश आजाद हो, जब भी सब लगे तो, हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, जगह तो बदली, किसको किसको हीरो? अरे तो नुकसान हीरो, खजाने को हीरो हम भी जाने, और खजाना हमारो भी है, और जीडीपी अगर आज सांस ले रही है तो हमारे दम पे ले रही है, भारत के किसान के दम पे। ज्यादा नफा नुकसान हमें ना सिखावे ना सरकार ना मीडिया, हमने कोई ब्लॉक ना करो, 18 लाइन को हाईवे, 5-7 पे हम बैठ गए, 5-7 खुली पड़ी है, हमारा रोकने से कहा मतलब, तुम रही बात इनके बना ले जाओ, सड़क पे खाली पड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि आप लोग रोड खाली करो, अपने अपने घर पे जाओ, तो अगली बात मत करो कोर्ट के मामले में, अगली बात मत करो, क्या होगा देखते रहो, जो कुछ होगा सही होगा और किसान के हित में होगा देखते रहो। रामलीला मैदान पे परमिशन मिला तो वहाँ जाएंगे? कौन से परमिशन लेंगे हमारा रामलीला मैदान, जहाँ दिन मन करा वो चले जाएंगे, परमिशन ले रहे हैं।
तो अभी तक ये नेता ही हमारी बर्मी सबसे ऊपर बैठे, तो अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ पर? अरे अभी मन्ना बनाया भाई हमने, अभी मन्ना बना रहे हैं। मन बनेगा ये हम तुम्हें बताएंगे ना, हमारे मन की बात हमसे मत पूछो। मोदी के मन की बात अच्छी ना लगे, वाह हमारे मन की बात पूछो। बेटा हमारे मन की ज्यादा मत पूछो, तो नहीं अगर आपके मन की पता नहीं चलेगी तो भी कैसे काम चलेगा? अरे यार हमारे मन की तुम पूछो ही क्यों ज्यादा, काम की बात पूछो हमसे और काम की बताओ हमें। आइटम तुम्हारा धाप बैठ जाए और तुम तो बचरा ले हो तो हमें बता दियो कर लू। ताऊ आधा तो मामला निपट गया पराली और बिजली पर, फिर आप इतना क्यों आज बबूला हो रहे हैं? भैया पराली बिजली है धरे एक माई को, वो तो निपटतो ही और देखियो क्या क्या निपटे को देखते हो रहे, यही पे बने रहो तुम भी और हम भी, देखो क्या क्या निपटे को और सब कुछ सही करके जाएगो भारत को अन्नदाता है। ये ऐसा ना है कि वैसे इनको चल रहा आंदोलन ही, आगे की रणनीति क्या होगी जिस तरीके से पूरा बैरिकेडिंग जो बताया भाई तुम्हें, तुम रोड आगे की पूछो हमसे। बाकी मीडिया का काम क्या पूछना ही, तो अगर हम पूछेंगे नहीं आपसे तो लोगों को कैसे तुम सरकार की हमें बिजली भी ना बताओ, तुम 7 साल की बता दो सरकार की क्या करो। ये बताओ सरकार ने धारा 370 खत्म करवाया, वो कान को घूंघ बनवाया। मेरी बात सुनो, मंदिर तो रोज बन रहे हैं, मंदिर के बारे में हम कचरा के धारा 70 भी ना हटाते ये तो गामन में भुस धोते जाके ये काम कोई तो बैठा है कि भैया हिलो करियो कच 70 हटा दी कान में घूंघ निकाल दियो। लेकिन है तो बहुत बड़ी बात ना, काय की बड़ी बात है यार, क्यों 70 जबरदस्ती की बात 70 अरे जब वो कच हिलो पल पे फिले बारे ढा कर रहे दुख भी तो ही ले आए क्या भाई हिलो करो ना ना यार ये भी कैसा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे, रफाल आ गया चिनूक आ गया, फिर भी आप बोले कि देश अभी पीछे है, मंदिर बन गया। अरे बेटा सुन, सबसे बड़ा पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी, कौन ने करी, फौजी ने करी सरकार के? अरे यार तसल्ली कर लो पहले, किसने करी भैया? फौजियों ने की। फिर तो बालक हमारे, फिर हमें क्या की सुना रहे हो तुम? अरे हमारे बालक है वो ढोके आए उन्हें ज्यादा अंग्रेजी पढ़ रहे बात यार, जब हमारे घर में कोई धसे को तो हमारे बालक वहाँ ढोक ही देंगे, फिर ढोक देंगे दोबारा अगर गाई नगर पर करी तो। 1962 में भी तो वही बालक थे जिन्होंने मानसरोवर को हरा दिया, कहा कौन सी सरकार थी उन्हीं की वजह से? देखो मेरी बात सुनो जी, युद्ध लड़े जहाँ जीत हार होती रहे, तुम सब चीज अन्य सुमत बनाए करो और सब बात अन्य ढूंढते मत डोले करो, क्योंकि तुम पे सौदा से सही है ही ना। अगर मीडिया सही काम करती और विपक्ष सही हो तो क्या जनता यहाँ आने की जरूरत ना? मीडिया या सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया किसकी बात कर रहा है? चलो तुम मीडिया के छोटे बच्चा हो गए, हो तो मीडिया ही, हम तो इतनी बात जाने यार। की गलती की सजा बच्चा को देता हूँ भैया, जब बुजुर्ग की गड़बड़ करते हैं तो बालकन पर शक दुनिया करे, हम तो मोटी बात जाने या के ज्यादा हम बड़े ना है, जब तुम्हारे बड़े बड़े ही गड़बड़ कर रहे हैं तो तुम्हें भी शक्की निभाती देखे। नेशनल मीडिया का गुस्सा आप सोशल मीडिया पर निकालेंगे? गुस्सा हम उनपे कर रहे हैं ना तुमपे कर रहे हैं, हम तो साफ कह रहे काम ठीक करो तुम भी, और ज्यादा मत पूछो के ताऊ तुम कल बाल काट रहे परसों डाली बनवा रहे, इन बातों में मत करो, काम की बात करो और मुद्दा की करो। बेटा 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 बहुत जोर से कही थे नहीं बात, लोकतंत्र में जनता सरकार हो और ये सरकार ही बढ़ी है सब देख ले बात, लोकतंत्र में जनता सरकार हो, सरकार क्या कह रही है ये जनता क्या कह रही है वो काम होएगा, पर होएगा मेरी बात सुनो बैठा दिए और खिंच भी जाए अंग्रेजी मत पढ़ो अगली, जनता चाहे जाए चाहेगी वो होएगा, लोकतंत्र में जनता मालिक है, बिल्कुल ये नेता मालिक ना है और काम ही ना करना पड़ेगा और करा के जाएंगे, तुम रोज पूछोगे या ये कहोगे? राकेश जी कह रहे हैं कि 2024 तक आंदोलन चलेगा, 24 में लोग तो तुम्हें बुरी लग गई उनकी बात, तो आपकी बात कही है आप राजनीति कर रहे हैं? अरे काय की है चुनाव लड़ रहे राजनीति कर रहे हैं? अरे जो राकेश टिकैत जी ने जो कही है 500% सही कही है और एक भी आदमी ना हिले यहाँ जो उन्होंने कह दी सो सही है। हाँ तो वो उनको काम है यार, मर्यादित पुरुष क्या करेंगे ऐसे काम एक काम करेंगे तो क्या चले जाएंगे घर? भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो आदेश होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो आदेश होगा हम सब मानेंगे, इसमें ज्यादा किंतु परंतु तुम लगाओ मत, मत टोटो कहीं पूछो ये कब भाग रहे कब भाग रहे।